अवसाद लगातार समाज में दीमक की तरह फैलता जा रहा है। हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी वजह से मानसिक रोगों से ग्रस्त हो रहा है, चाहे उसे ऑफिस की समस्या हो या युवाओं में पढ़ाई की समस्या। हर जगह अवसाद अपने पैर पसार रहा है। पिछले 3 सालों से कोरोना हमारे बीच में है, उसकी वजह से काफ़ी समस्याएं पैदा हुई, जिसमें मानसिक अवसाद काफ़ी बढ़ा। उसके लिए एक वर्कशॉप यहाँ पर की जा रही है कि एक साइकोथेरेपी किस तरह यहाँ पर प्रयोग की जाएगी उन मरीजों पर जो लोग इसमें शिकार होते हैं, लोग दवा के साथ साथ इसका भी प्रयोग किया जाएगा। एसएन मेडिकल के कुछ हमारे साथ छात्र हैं, मेडिकल छात्र, उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि मानसिक अवसाद मतलब पिछले कई सालों में लगातार बढ़ा, तो क्या लगता है आपको, ये और बढ़ेगा कि अभी यहीं रुक जाएगा क्या? अभी जैसे कोरोना अभी ख़त्म हुआ है तो उसकी वजह से लोग आइसोलेट रहे हैं, एक मेंटल प्रेशर उनमें जनरेट हुआ है, तो उसकी वजह से अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा उससे ऊपर निकलने के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे कम जरूर हो जाएगा। एसएन मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, तो क्या देखते हैं, मतलब कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा आपके पास आता है, मतलब युवा, बुजुर्ग या फिर लड़के लड़कियाँ, कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा आपके पास? हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। जो इस समय प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है कि कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, छोटे बच्चे से लेके मतलब 12-15 साल से लेके ऊपर एज। मानसिक जो अवसाद है वो बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। अभी लखनऊ में एक हादसा हुआ, उसकी माँ ने उसे पबजी खेलने के लिए मना किया तो उसने अपने फादर की गन लिखा ली और 6 की 6 गोलियां उसमें दाग दी। जो तो मतलब क्या, मतलब इतना कोई अवसाद में चला जाता है कि मतलब माँ को भी ये देख नहीं रहा कि मैं किसको क्या करने जा रहा हूँ। हाँ जी, ये मानसिक बीमारी होती है ना, इसमें व्यवहार में, स्वभाव में पेशेंट्स के फ़र्क आ जाता है, तो किसी भी लेवल तक हो सकता है वो। तो हम जल्दी रिकॉग्नाइज करें सिम्टम्स को, जल्दी हम डॉक्टर्स के पास लाएं। बाकी लक्षण तो मतलब किसी को दिखते होंगे ना, मतलब एक साथ तो कैसे कि अटैक है वो तो आया कि आदमी तुरंत सब चीज़ें हो जाती हैं, पर जब मानसिक चीज़ से चेंजेस आ रहे हैं तो मतलब कुछ महीने कुछ साल लगते होंगे कि वो धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो हमें शुरू के जो इनिशियल सिम्टम्स है, जैसे बच्चों में होता है कि स्कूल में इंटरेस्ट कम लगना, दोस्तों के साथ चिड़चिड़ापन हो जाना, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, तो ये सब सिम्टम्स जल्दी पिकअप करें और जल्दी डॉक्टर का हम हेल्प लें। वो एक आंकड़ा कपूर साहब ये कहता है कि जो है कि जो अवसाद का जो कारण है कहीं ना कहीं ये मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, जो स्क्रीन टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त बिताते हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण उभर के आ रहा है। बट उसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि सोशली आइसोलेट कर लेता है पर्सन अपने आप को, जो मीनिंगफुल जो लोगों से वार्तालाप और ये सब कुछ होता है, जो सोशल इंटरेक्शन हो जाती हैं वो कम हो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है कि आउटसाइड वर्ल्ड से कम हो जाना, शट डाउन कर लेना अपने आप को। पहले शायद आपके दादा या दादी या नानी जो बहुत एक साथ रहते थे लोग, पर आज एक एक कमरों के उसमें दो दो कमरों के फ्लैट में लोग दो दो तीन तीन लोग रह रहे हैं, और उनको किसी से मतलब नहीं, हम अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, ये भी एक अवसाद का कारण है। हाँ, एकाकी जीवन जो लोग जीते हैं आजकल, जो है कि पहले फैमिली जो है कि दादा दादी सब लोग कंबाइंड फैमिली रहती थी, अब क्या न्यूक्लियर फैमिली रहती है, तो उसमें लोग जो है कि ज़्यादा अच्छे तरह से अपनी फीलिंग को दूसरे को बता नहीं सकते हैं, तो इस वजह से एक ये भी कारण है। मतलब जब भी मानसिक रोगों की बात होती है लोग सोचते हैं शायद ये पागल है, पागलों के डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना इलाज के लिए, तो कहीं ना कहीं ये इलाज कराने में भी ये समस्या देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, कई बार लोगों को सही जानकारी नहीं होती है या फिर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, इस वजह से वो टाइम से या कई बार पहुँच ही नहीं पाते हैं किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास, और जो कई बार अनहोनी घटनाएँ जो होती हैं वो इसी वजह से हो जाती हैं। सही मार्गदर्शन बीमारियाँ सही हो जाती हैं अगर उचित इलाज मिले, सही इलाज मिले और टाइम से इलाज मिले। तो एसएन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से हमने बात की, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई भी यहीं से की है, उनका यही कहना है कहीं ना कहीं अवसाद के कई सारे कारण हैं, सोसाइटी भी उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि अकेलापन, सोशल मीडिया, ये कहीं ना कहीं सबको इस तरफ खींच रही है। कैमरामैन अनूप बघेल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।